टुडे टॉक अबाउट प्लेटो। आज हम बात करेंगे प्लेटो क्या होता है और ये क्यों आता है। क्या होता है कि आप एक नया रूटीन फॉलो करते हो, एक डाइट प्लान फॉलो करते हो, एक्सरसाइज को फॉलो करते हो, शुरुआत के दिनों में तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम बाद आपका वेट स्टक हो जाता है और वो काफी टाइम तक स्टक रहता है और वो हिलने का नाम ही नहीं लेता और उतना ही वेट रहता है, कम नहीं हो रहा ना ज्यादा हो रहा। तो इसके पीछे क्या कारण है, कि 5-6 कारण हो सकते हैं कि अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही हो, थायराइड है या बीपी शुगर हो तो आपका वेट, आपको प्लेटो आ सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो और आपकी कैलोरी बैलेंस भी, मान लीजिए जितने आप कैलोरी इनटेक कर रहे हो उतने आपके वर्कआउट मान लो खर्च कर रहे हो तो भी आपको प्लेटो आ सकता है। चौथा है कि आपके एक सेम डाइट फॉलो कर रहे हो, सेम एक्सरसाइज या सेम रूटीन फॉलो करते हो तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है, उसके कारण भी आपको प्लेटो आ सकता है। पांचवा कारण क्या हो सकता है कि आप शॉर्टकट यूज करते हो, कि खाना पीना बंद कर दिया एकदम से, एक्सरसाइज नहीं की या कभी बहुत ज्यादा कर ली, सुबह का खाना बंद कर दिया, शाम का कर दिया, पानी आप प्रॉपर नहीं पी रहे, उससे क्या होगा आपका फैट लॉस नहीं होगा, उससे आपका मसल लॉस होगा। उससे एक बार तो आपको लगेगा कि वेट लॉस हो गया है, लेकिन वो वेट आपका मसल का होगा। आपको क्या करना है कि मसल को मेंटेन रखते हुए आपको अपना वेट लॉस करना है। अगर आप जानना चाहते हो कि ये प्लेटो को हम ब्रेक कैसे करें तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद।